हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ हियर यू सी सम फिगर्स आर गिवन। सी इन फिगर 1 ए बी सी डी, ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स। सी ऑल दीज फिगर्स हैज फोर साइड, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स। ओके, so at first you see quadrilateral a b c d. here you see one pair of opposite side of this quadrilateral is parallel, a b parallel c d. okay, so this is called, this type of quadrilateral is called trapezium. okay, one pair of sides is parallel in trapezium. okay, now here you see both pair, here you see both pair of opposite sides are parallel in this figure. this pair and this pair are parallel to each other. okay, here also in this figure opposite sides are parallel, both pairs are parallel. in this side also you see both pairs are parallel. in this figure also both pairs are parallel. so these quadrilaterals are called parallelogram. okay, all these figure number 2, figure number 3, figure number 4 and figure number 5. okay, these figures are known as parallelogram. okay, jisme both side kya hote hain, both pair inki kya hote hain, parallel hote hain, to hum inko parallelogram kehte hain. okay, now here you see parallelogram m n r s. in this parallelogram all four angles are right angle. ये सब देखें, ये सब parallelogram है, ठीक है? पर यहां पर देखें, इनके जो angles हैं, इसका जो angle है ये 90 degree का नहीं है, पर इसका जो angle है, ये इसके जो चारों angle हैं, वो क्या हैं? 90 degree के हैं, ठीक है? तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? rectangle. और ये rectangle ही है, पहले आपने पढ़ा भी है, पर अब हम इसको quadrilateral भी कहते हैं और parallelogram भी कह सकते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल को ऐसे ही यहां देखें, यहां पर जो है रेक्टेंगल है क्योंकि इसके अपोजिट टू साइड्स जो हैं वो क्या हैं? इक्वल है, है ना? तो ये स्पेशल टाइप का क्या है? पैरेललोग्राम है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल कहेंगे, ठीक है? वहीं आप फिगर नंबर 4 देखें, फिगर नंबर 4 जो है इसके ऑल साइड्स इक्वल है, इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे. क्या कहेंगे? रोम्बस. ओके, पैरेललोग्राम तो है ही ये, पर इसको हम रोम्बस कहेंगे. ओके, नाउ हियर यू सी, इसको रोम्बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या हैं? इक्वल है, ठीक? यहां भी देखें, इसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है? तो ये स्क्वायर कहलाएगा. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये होता है आपका पैरेललोग्राम. वैसे ये तीनों चारों जो हैं ये पैरेललोग्राम हैं, ओके? पर ये रेक्टेंगल है आप पहचानते हैं, ये स्क्वायर है ये जानते हैं आप, ठीक है? रेक्टेंगल को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और स्क्वायर को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो रोम्बस बन जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब ये जो लास्ट वाला फिगर है, इस फिगर को आप देखें, यहां देखें कि यूवी यूएक्स के इक्वल है, ये साइन लगा हुआ है, ठीक है? मतलब ये दो साइड इक्वल है, और वहीं डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वी जो है ये दोनों इक्वल है, ठीक है? तो ये जो है ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे काइट. ओके,
इसके सिर्फ एडजेसेंट साइड्स जो हैं, मतलब जो एक दूसरे से लगे हुए साइड्स हैं, वो बस इक्वल है ना, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है और ये काइट कहलाएगा। ठीक है, नाउ सी सम नोट्स हैज गिवन बिलो। नोट दैट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। अभी मैंने बताया कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस जो हैं सारे क्या हैं, पैरेललोग्राम हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और वो रोम्बस भी है। ओके, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, अ ट्रेपेजियम इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, पर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। और रेक्टेंगल और रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल कह सकते हैं, पर रेक्टेंगल और रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ओके, सो रिवाइज ऑल दिस।